कहीं ना कहीं सरकार की कमी को ढकाना। कोई कह रहा 30 करोड़ में बिकी, कोई 40 करोड़ में, हमारे पास पैसे नहीं थे बस। पहले तो सिर्फ वोट देते, अब दिलवाएंगे। तुम जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदार लेने के लिए आगे बढ़ना। अब आप मंत्री बन के गुड़गांव का भला करेंगे, गुरुग्राम की टिकट पे गुरुग्राम जीतेगा, सेवा नीति जीतेगी, राजनीति हारेगी। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। गुरुग्राम में चुनावी घमासान जो है वो अपने चरम पर है। कुछ रोज पहले तक बीजेपी से टिकट मांग रहे थे नवीन गोयल, और लगातार पिछले 10 साल से बीजेपी ने काम कर रहे थे गुरुग्राम के लोगों के बीच थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से एक निराशा रही, उन्हें टिकट नहीं दी गई। ऐसे में अब निर्दलीय ही गुरुग्राम सीट से चुनाव के मैदान में, और हमारे साथ है उनके बड़े भाई डीपी गोयल। और अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर हम किसी ना किसी मुद्दे पर चर्चा करते रहे हैं। इससे पहले जब हम बात, जब भी हमने डीपी भाई कही तो वो परिस्थितियां अलग थी और आज की परिस्थितियां अलग है, क्योंकि तब कहीं ना कहीं बीजेपी की साइड पर बैठे थे, अब बीजेपी के विरोध में बैठे। राज भाई आपका धन्यवाद और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ठीक कह रहे हो राज भाई, दुख भी है और बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को फॉलो करने वाले लोग हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े फॉलोवर हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है हमने। अप्रत्यक्ष तौर पर मैं उनको गुरु भी मानता हूँ। हमने बहुत काम किया उनकी नीतियों पर चलते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि आप देखेंगे राज भाई, आप कितने भी सर्वे करवा लीजिए और कोई भी राजनीतिक पंडित होगा आप उससे बातचीत कर लीजिए, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या कमी रह गई हमारे से। लगातार 5 साल एक दिन भी छुट्टी नहीं करी, 18-18 घंटे काम किया, पार्टी की सभी नीतियों पर हमने काम किया, जितनी रैली हुई सब ज्यादा हाजिरी हमारी थी, पार्टी के खिलाफ कभी बात नहीं करी। सेवा की बात करें, हर तरह की सेवा में सिस्टम में थे हम। जो ऑफिसर्स की वजह से सरकार की कमियां रही, हमने हमेशा उसको ढका। आपको पता है कितना भ्रष्टाचार ऑफिसों में है, कितना काम नहीं हो रहे ग्राउंड पे, फिर भी हमने उसको ढका, अपनी प्राइवेट टीम लगाई, एनजीओ से काम किया, हॉस्पिटल नहीं बन रहा था अपना हॉस्पिटल बना के सेवा दी, सीएससी सेंटर बनाए, महिला कौशल विकास केंद्र भी, रोजगार पे सरकार के पास जवाब नहीं, रोजगार क्यों नहीं है। 4 महीने में 650 युवाओं को गुड़गांव में रोजगार दिया, कहीं ना कहीं सरकार की कमी को ढकाना। विषय कोई भी रहा, हमने पार्टी की सेवा की है, लेकिन उसके बावजूद भी सेवा कोई नाम नहीं मिलता। तो शायद यदि आप 6 महीने मेहनत करें, 5 साल मेहनत करें और सैलरी ना मिले तो कैसा लगेगा। जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ी तकलीफ होगी। क्या लग रहा है, जो टिकट काटी गई, वो जो टिकट काटने वाले लोग थे या जो देने वाले थे, वो नीति इसके पीछे थी या वो नियत में कहीं गड़बड़ हो गई? देखिए कुछ नहीं कह सकते, कहने वाले तो कह रहे हैं कि बहुत पैसे में टिकट बिक गई। अब वो तो देखो, हम नहीं जानते हम कौन, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, और शायद पहले ऐसा चलता नहीं था, लेकिन अब तो बाजार में खबर उड़ी हुई है। कोई कह रहा 30 करोड़ में बिकी, कोई 40 करोड़ में बिकी, हालांकि मुझे नहीं लगता, लेकिन और तो कोई कारण मुझे लगता नहीं। वो किसी चीज़ में, कौन सी चीज़ में अव्वल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं थे बस। सर पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या कारण रहा, लेकिन दिक्कत तो कहीं ना कहीं है ही ना। भी अब सारे सर्वे में हम ऊपर हैं, सब जिस भी नेता से बात करी, अरे आपका तो बढ़िया है, आपको तो ऊपर चल रहा है, पहले 2 दिन तक हमारे पास पक्ष में बातें आ रही थी, ऐसा क्या हो गया लास्ट के 2 दिनों में? ऐसे 2 दिनों में दूसरे ने क्या ऐसा काम कर दिया कि हम उसके बराबर में नहीं खड़े? पार्टी का सपोर्ट अब नहीं है, मतलब एक तरह से जब टिकट नहीं है, निर्दलीय है, तो अब यहाँ पर क्या मान रहे हैं कि वो जो एक मजबूती नजर आ रही थी वो और ज्यादा मजबूत है, या थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं यार पार्टी की टिकट होती तो और ज्यादा बेहतर स्थिति होती? अब यहाँ पर डीपी गोयल खुद क्या सोच रहे हैं, क्योंकि नवीन गोयल नेता के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर चेहरा जरूर है, लेकिन उसके पीछे जो एक आदमी काम करता है वो डीपी गोयल भी है। नहीं, मैं नहीं, सारे गुड़गांव का प्यार है। पिछले 5 साल में राज भाई, ये आप भी मानेंगे और मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत दुख आपको भी होगा। देखिए आज लोगों के साथ हमारे कोई व्यापारिक संबंध नहीं है, कॉमर्शियल हमारे रिलेशन नहीं है, आत्मा से संबंध है। स्वार्थ के लिए काम नहीं करा, हर आदमी के साथ दिल से काम किया है, रिश्ते निभाए हैं, करे हैं। तो लोग पहले तो वोट देते, अब दिलवाएंगे। लोगों ने चुनाव में खड़ा किया नवीन भाई को, नवीन ही खड़ा हुआ। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला इतना आसान नहीं होता, इतना बड़ा कलेजा चाहिए उसके लिए। आप कई बार देखते हैं बहुत पार्टी पीछे पड़ जाती है, सिस्टम हो जाता है, खुल के बोल रहा हूं, लेकिन डर होता है, तकलीफ होती है, क्या पता क्या क्या हो जाता है। इतना बड़ा कलेजा चाहिए, लेकिन संकल्प लिया था सेवा के लिए, हाजिर हैं और रहेंगे, और आज नहीं रहेंगे,
सांस अंतिम सांस तक दाल रोटी ठीक चल रही है, बच्चे अपने ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, घर का मकान घर की दुकान होगी और क्या चाहिए हमें। 43 साल मेरी उम्र है, 41 साल नहीं की है। अब 15 साल के बाद बच्चे हमारी सुनेंगे नहीं क्या पता। तो 15 साल हमारे पास हैं, जितना काम किया जा सकता उतना करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे, लोगों का आशीर्वाद लेके करेंगे, कोई दबा नहीं सकता। आमतौर पर यह बात भी कही जाती है कि भी जो सत्ता में आ रहा है, सत्ता का विधायक बने तो ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा काम करा सकता है। अब ऐसे में चूंकि अब इंडिपेंडेंट आप लड़ रहे हैं तो कहीं ये फैक्टर लोगों के मन जहन में आएगा, तो उसका क्या जवाब होगा नवीन गोयल के पास और डीपी गोयल के पास? आप देखिए, जितने भी निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, जीतने वाले लोग, उनके ऊपर भी सरकार का साथ रहता है। हम कोई गलत थोड़ी करेगा, हम कोई मर्डर करने थोड़ी जा रहे हैं, कोई हम किसी के खिलाफ थोड़ी बोल रहे हैं। हम अपनी बात रख रहे हैं, लोकतंत्र में कोई बात रख सकता है, सबको अपने विचारों की आज़ादी है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, आप भी लड़ सकते हो, पत्रकार हो तो क्या चुनाव लड़ सकते। हम कौन गलत काम कर रहे हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे, जिताएंगे, प्रभु जिताएगा, हम गुरुग्राम की जनता जिताएगी, और जो पार्टी बनेगी हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम और खुशी के साथ जुड़ेंगे, और कांग्रेस की बनेगी तो थोड़ा कम खुशी से जुड़ेंगे, गुड़गांव के लिए काम करेंगे। हमारा मकसद अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं है, हमें क्या चाहिए और बताओ, हमारे पास सारा जुगाड़ बता दिया मैंने है, और क्या चाहिए? मान सम्मान आज भी कम नहीं है, लेकिन नैतिकता और जिम्मेदारी से दूर नहीं भाग सकते हम। यदि दूर भाग गए तो कायर कहलाएंगे, जिम्मेदारी से दूर। अब हमें टिकट नहीं मिली तो दो फैसले होने थे, या तो हम चुपचाप बैठ जाते, या हम जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आते। तो हम जिम्मेदार आदमी हैं, जिम्मेदारी लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? हमारी कुछ लोग अब आशीर्वाद देने के तौर पर पता क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान आपके साथ गलत नहीं कर सकता, लाखों लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, हजारों महिलाओं को नौकरी मिली है, हजारों युवाओं को, तो 2.5 लाख क्या स्वच्छ परिवारों की मेडिकल हेल्प हुई है, सबकी दुआ बेकार जाएंगी क्या? लोग ये कह रहे हैं आज गुरुग्राम की जनता कि भगवान आपके साथ गलत नहीं कर सकता, पहले आप MLA बनते, अब आप मंत्री बन के गुड़गांव का भला करेंगे। भविष्य के गर्त में सारी चीज़ें, हम कर्म योगी आदमी हैं, ईमानदारी से कर्म करना जानते हैं, आज के दिन को अति उत्तम बनाना है, अगले दिन भगवान जाने कल क्या होगा, किसने जाना है। एक आखिरी सवाल, कुछ इस तरह की भी चर्चा है कि कुछ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उनसे कोई बातचीत चल रही है, क्या इस बात की जरा सी भी गुंजाइश है कि इंडिपेंडेंट के अलावा भी कोई, क्योंकि अभी है समय 12 तारीख नॉमिनेशन में, कि कोई अगर दूसरी पार्टी अप्रोच करे तो उसकी तरफ रुख कर सकते हैं, या एकदम फैसला हो गया है कि अब तो आर पार जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा? अच्छा, मालिक कौन है लोकतंत्र बताओ? जनता मालिक, जनता ने टिकट दी, उससे बड़ी टिकट किसी पार्टी की हो सकती है क्या? हमने फैसला बना लिया है, कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, जो होगा वो अच्छा होगा, गुरुग्राम की टिकट पे गुरुग्राम जीतेगा और गुरुग्राम आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं इस चुनाव के लिए, आगे बढ़े जीते। मैं एक निवेदन मेरे दोस्तों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके व्यूअर, मुझे पता है कि हमारे दोस्त मित्र हैं ये दोस्तों, ये लड़ाई आज विचारों की लड़ाई है, एक धर्म युद्ध कह सकते हैं, सेवा जीतेगी या राजनीति जीतेगी इसमें फैसला आपने करना है। मैं DP गोयल आपसे निवेदन करता हूँ, आप नवीन भाई को जिताएं, नवीन भाई जीतेगा, आप जीतेंगे, गुरुग्राम जीतेगा, लाखों लोगों की उम्मीद जीतेगी। आज लक्ष्य है गुरुग्राम को आगे बढ़ाने का, हर परिवार को अच्छी शिक्षा अफोर्डेबल प्राइस में मिले, अच्छी रोड बिजली पानी शिविर कानून व्यवस्था अच्छी हो, सबको अच्छी चिकित्सा सुविधाएँ मिले, जो पेंडिंग काम सरकार के पड़े हुए हैं, जो हॉस्पिटल बनना है, बस स्टैंड बनना है, शीतला हॉस्पिटल जो बन रहा है वो बनना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, कानून व्यवस्था अच्छी होनी है, हमारी ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी होनी है। आप नवीन भाई का साथ दीजिए, सेवा नीति जीतेगी, राजनीति हारेगी, गुरुग्राम लड़ेगा, गुरुग्राम जीतेगा। मैं निवेदन करता हूँ अगले 30 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचाएँ। अब 30 दिन नवीन भाई को दीजिए, अपने चुनाव में समय लगाइए, अगला 5 साल अपने बच्चों का भविष्य अच्छा होने वाला है। मैं विचार पर बार बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ रहे। अब यदि हमारा मन ये हो गया या राजनीति गंदी चीज़ है, घर बैठ जाते हैं, तो ये मान लीजिए और कोई जल्दी से हिम्मत नहीं कर पाएगा, और गलत लोग राजनीति में आएंगे, चीज़ें गलत होंगी, तो हमारा बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं निवेदन करता हूँ ये 30 दिन नवीन भाई के लिए समय निकालिए, और इस चुनाव में आप नवीन भाई को जिताइए। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया दीपी भाई हमसे बात करने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए।